किस पर्पस को लेके आप जो पंजाब में आ चुके हैं? पंजाब में हम लोग शिरोमणि अकाली दल अमृतसर मान साहब के साथ मिलजुल कर पंजाब में एक लहर एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, और ये लहर और ये आंदोलन बेगमपुरा खालसा राज स्थापित करने के लिए, ना केवल पंजाब बल्कि सारे देश भर में। गुरु रविदास जी ने कहा था बेगमपुरा स्थापित होना चाहिए, और गुरुओं ने कहा था खालसा राज स्थापित होना चाहिए। तो बेगमपुरा खालसा राज केवल पंजाब में नहीं सारे देश भर में स्थापित होना चाहिए। इसके लिए हमने मान साहब के साथ गठबंधन किया, और ये लहर सारे देश भर में चलनी चाहिए। तो अभी 12 तारीख को मैं फतेहगढ़ साहब में आया था, तो फतेहगढ़ साहब के साथ साथ हमने संगरूर में कार्यक्रम किया, फिर संगरूर के बाद में आज कोटपुरा में कार्यक्रम हुआ। अभी मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना पड़ रहा है, इसलिए नहीं तो मैं अमृतसर में एक मीटिंग करना था मुझे। तो हम लोग जो गुरुओं कमीशन है उसको देश भर में अमल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इधर घूम रहा हूँ। कौन कौन से और जो जत्थेबंदी हैं जो जिनको आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और क्या ऐसे ऐसे पार्टीज हैं जिनके साथ आप अपना अगला रखते हैं? अभी हमारा गठबंधन जो है केवल मान साहब के साथ, मान साहब के बाद में और छोटे छोटे और जत्थेबंदियाँ हैं उनके साथ अभी हमारी वार्ता चल रही है। क्योंकि वो वार्ता मुकम्मल नहीं हुई है इसलिए उसके बारे में अभी मैं कोई घोषणा नहीं करना चाहता। किस किस चीज़ को आप कवर करेंगे? मेरा जो संगठन है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, 31 राज्यों में 539 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांव में काम करता है। अभी मेरी योजना है 6 लाख गांवों तक इस आंदोलन को पहुंचाएगा, तो इसके लिए हमारा सारा देश भर में काम चल रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति ये है, पहली रणनीति तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने EVM मशीन को 100% जगह पेपर ट्रेल मशीन लगाई जानी चाहिए, ये केस मैंने जीत लिया, मेरे फेवर में हो गया। अब 100% जगह पेपर ट्रेल मशीन लगेगी, मगर रिकाउंटिंग के जो रूल है वो रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से दोबारा मैंने केस दायर कर दिया है। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकाउंटिंग के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। तो हमारी कोशिश जो है बीजेपी के विरोध में जथेबंदियां खड़े करने की है, हमारी कोशिश ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को खुली छूट दिया जाए और जितवाया जाए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और बीजेपी और कांग्रेस ये चचेरे चचेरे मौसेरे मौसेरे भाई भाई है, इनके नीतियों में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। ऐसा कैसे आप दावा कर सकते हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी हारेगी अगर बेल्ट पेपर के जरिए पोलिंग होती है? क्या EVM मशीन पर आपको यकीन है? EVM मशीन में कैसी गड़बड़ पाई थी आपने? मैंने चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, और वहाँ मैंने कई सवाल खड़े किए, एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया,
यदि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए तो मेरा सारा का केस और जो हलफनामा चुनाव आयोग ने दाखिल किया उसमें एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मैंने सवाल उठाया और चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब सिद्ध है कि उनके पास मेरे सवालों का जवाब है नहीं। इसके आधार पर कह रहा हूं मैं कि ईवीएम में घोटाला होता है, और यदि उस घोटाले को खत्म करना है तो रिकाउंटिंग के रूल अगर चेंज हो जाते हैं तो घोटाला करने वाले लोगों को मालूम हो जाएगा कि कागज की पेपर ट्रेल में जो कागज बाहर आता है उसकी रिकाउंटिंग होगी। जैसे ही घोटाला करने वालों को मालूम हो जाएगा कि कागज की रिकाउंटिंग होगी तो ईवीएम में घोटाला बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अब रिकाउंटिंग की मांग होगी तो ईवीएम का घोटाला पकड़ में आ जाएगा, तो घोटाला बंद हो जाएगा। घोटाला जैसे ही बंद हो जाएगा बीजेपी का अस्त सूर्यास्त जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2014 के चुनाव में वो घोटाले से घोटाला करके चुनाव जीता। क्या आपको पता है कि 31% वोटों पर 283 सीटें बीजेपी ने चुनाव जीती? क्या आपके पास इसका कोई डाटा अवेलेबल है कि 31% वोटों पर आज तक भारत के सांसदीय इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल को 272 सीटें नहीं मिली, मगर 31% वोटों पर बीजेपी को 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। इससे बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो सकता है कि ये ईवीएम का घोटाला नहीं है? क्या आपको पता है कि चुनाव आयोग ने 16 मई को रिजल्ट आने के एक महीने के बाद ईवीएम मशीन को भंगार में बेचने का, 800,000 मशीनों को भंगार में बेचने का ऑर्डर किया था? आपको पता है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जिस मशीन पर एक महीने पहले चुनाव हुआ वो मशीनें एक महीने में भंगार कैसे होगी? स्क्रैप करने का आदेश दिया तो भंगार हो गई कैसे? उनके साथ कोई टेंपरिंग वगैरह की गई? ये तो आप समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार आप हैं, क्योंकि आप भी तो पत्रकार हैं। शुक्रिया सर।